क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया हुआ है कि ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 11 डेज. एक मिनट. हाँ, बी उसको 22 डेज में कर सकता है और सी कितना दिन में कर सकता है, 33 डेज में. और इन लोगों ने काम कैसे किया है, डे वन में ए एंड बी मिलके करेगा, डे टू में बी एंड सी, डे थ्री में सी एंड ए, फिर डे फोर में ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा. तो हमें बताना है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ हमने ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी. ए कितना दिन में करेगा काम को, 11 डेज. बी कितना दिन में, 22. सी 33 डेज में. तो अगर हम टोटल वर्क को क्या कर लेते हैं, इन तीनों का जो है एलसीएम अज्यूम कर ले, तो कैलकुलेशन सिंपल होगा. टोटल वर्क हमने 66 अज्यूम कर लिया. तो ए का इफिशियंसी 6 है, बी का 3, सी का 2. ये हो गया. तो अगर हम डे वन की बात करें, तो डे वन में ए प्लस बी है, मतलब डे वन में टोटल 9 वर्क हो जाएगा. डे टू में क्या है, बी प्लस सी, तो देखने से आ जाएगा 5 वर्क. एंड डे थ्री में क्या है, सी प्लस ए है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 वर्क. सो अगर हम 3 डेज का वर्क की बात करें ना, तो कितना हो रहा है, 8, 5, 13, और 13 और 9, 22. 3 डेज में 22 वर्क हो रहा है. वर्क कितना है टोटल, 66. कैसे है 66, 3 से मल्टीप्लाई करके, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 9 डेज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 9 डेज. तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ. और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह सारे बेस्ट PYQ का सॉल्यूशन मिल जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू.